हेलो एवरीवन, दिस इज़ शफीक खान। आई एम मुबशर यहिया, वेलकम टू खान न्यूज़। खुश आमदीद है आपका खान न्यूज़ में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम फिर हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ, जिस पर हम रिएक्शन करने वाले हैं वो है द माइंड ब्लोइंग इफेक्ट्स। बिल्कुल, माइंड ब्लोइंग इफेक्ट्स जी, जो बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। इसमें जो इस तरह वीडियो होता है कि गैर यकीनी होता है, बिल्कुल दिमाग ये गैर यकीनी जो दिमाग तसव्वुर नहीं कर सकते। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। इसमें जो है वो अलग अलग से जो फैक्ट आता है वो आज से स्पेशली ये जेम टीवी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल और जेम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो ये वीडियो देखते हैं, लेकिन इसके बाद हम इस वीडियो पर रिएक्शन करेंगे, बात करेंगे। लेकिन ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और साथ में जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप किसी भी कंप्यूटर के फोल्डर का नाम कौन नहीं रख सकते, चाहे आप विंडोज़ का कोई भी वर्जन इस्तेमाल कर रहे हों। चाहे तो बेशक ट्राई करके देख लें। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में ऐसे कई पुर इसरार राज छुपे हैं जिनको जानकर यकीन करना मुश्किल होता है, पर असल में ये एक हकीकत है। आज हम आपको चंद ऐसे ही फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। जंगली जानवर, खास तौर पे बंदर, जब बीमार होता है तो उसके दूसरे साथी उससे एक फासला रखते हैं ताकि बीमारी दूसरे जानवरों को ना लग जाए। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पाँव की उंगलियों को अगर गौर से देखा जाए तो बीच की उंगली पैरों के अंगूठों से बड़ी है, जो कि दुनिया में मौजूद सिर्फ 10% इंसानों में पाई जाती है और ये कदीम ज़माने में खूबसूरती समझी जाती थी। साउथ अफ्रीका में शहद की मक्खी यानी हनी बी की एक ऐसी किस्म भी मौजूद है जो बगैर किसी मेल बी के बच्चे पैदा कर सकती है। इंसान के जिस्म के हर छोटे से सेल में एक कुदरती थर्मोमीटर मौजूद होता है। अगर किसी एक सेल का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो खुद ही अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर सकता है। टाइगर शार्क्स हजारों मील सफर कर सकती है, हत्ता के पूरा समंदर भी पार कर सकती है, लेकिन आज तक किसी को मालूम नहीं पड़ा कि वो ऐसा करती क्यों है। इंसान के ब्रेन के दो हिस्से होते हैं। जो चीज़ें इंसान पढ़ता है वो दिमाग के लेफ्ट हिस्से में सेव होती हैं और जो वाकयात इंसान के साथ पेश आते हैं वो राइट में सेव होते हैं। ये आवाज़ होती है मेंढक की, लेकिन असल में ये आवाज़ सिर्फ एक मेंढक की नहीं बल्कि हजारों मेंढकों की एक ही आवाज़ है। मेंढक अपने दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए एक ही आवाज़ और एक ही फ्रीक्वेंसी से आवाज़ निकालते हैं ताकि उनके दुश्मन को लगे कि सिर्फ एक ही मेंढक है, लेकिन असल में हजारों मेंढक वहीं मौजूद हो सकते हैं। 1876 में केंटकी में 2 मिनट के लिए गोश्त की बारिश हुई थी। जी हाँ, आसमान से बारिश के पानी की जगह गोश्त के टुकड़े गिरे थे। आसमानी बिजली रात को भी दिन बना देती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आसमानी बिजली का टेम्परेचर सूरज के टेम्परेचर से भी 5 गुना ज़्यादा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि केले की शेप हमेशा कर्व्ड क्यों होती है, केला कभी सीधा क्यों नहीं होता? क्योंकि केला जब दरख्त पर पक रहा होता है वो हमेशा सूरज की तरफ मुड़ जाता है। चाइना के कुछ इलाकों में पुलिस के पास कुत्तों के बजाय गीज होती हैं। गीज के झुंड को रात को छोड़ दिया जाता है, अगर उनको कोई ख़तरा महसूस होता है तो वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल कर पुलिस को सिग्नल देती हैं। ये तो हम सबको पता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट के ऊपर पानी 71 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो जाता है। ये है 1 टेराबाइट की कंप्यूटर हार्ड ड्राइव जिसमें 1 टेराबाइट का डाटा स्टोर हो सकता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ह्यूमन डीएनए का सिर्फ 1 ग्राम 700 टेराबाइट का डाटा स्टोर कर सकता है। नासा के पास इंसानों की एक ऐसी टीम भी मौजूद है जो स्पेस में जाने वाली हर एक चीज़ को सूंघती है और इसी तरह स्पेस से वापस आने वाली भी हर एक चीज़ को सूंघा जाता है। सिर्फ आधा किलो बादाम उगाने में 7,600 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। दुनिया में आज तक जितने भी इंसान पैदा हुए हैं उनमें से सिर्फ 7% आज दुनिया में जिंदा मौजूद हैं, बकाया 93% इस दुनिया से जा चुके हैं। अर्थ की कोर में इतना ज़्यादा सोना मौजूद है कि अगर उसको पूरी दुनिया पर बिछा दिया जाए तो ज़मीन से 1 फुट ऊपर तक सोने की मोटी लेयर बिछ जाएगी।
आज दुनिया 2020 में चल रही है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जो आज 2013 में चल रही है। जी हाँ, इथोपिया में इस वक्त 2013 है, क्योंकि उनका एक साल 13 महीनों का होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऑक्सफोर्ड की पहली प्रिंट होने वाली बुक के फ्रंट कवर में एक स्पेलिंग मिस्टेक थी। बास्केटबॉल 1891 में पहली बार इजाद हुआ था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि 1894 तक बास्केटबॉल कोर्ट में सॉकर बॉल इस्तेमाल होती थी। आर्कटिक ओशन में 12 महीने सिर्फ बर्फ होती है, चाहे गर्मियां हो या सर्दियां, यहां सिर्फ बर्फ ही पाई जाती है। लेकिन 2050 तक आर्कटिक ओशन में गर्मियों के महीनों में बर्फ खत्म हो जाया करेगी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, क्या यूनिक ज़बरदस्त वीडियो था और बहुत ही माइंड ब्लोइंग, यकीनन उसमें जो माइंड ब्लोइंग जो मतलब क्वेश्चन है वगैरह वो बहुत ही ज़बरदस्त थे, जिसमें जो माइंड ब्लोइंग जो चीज़ें थे वो भी खूबसूरत वीडियो बना दिया गया इसके हवाले से। तो ये वीडियो बहुत ही नायाब और खूबसूरत है। और इसमें मुझे जो पसंद आया ना, सबसे पहले कंप्यूटर का जो उसने कहा है ना कि कौन आप नहीं लिख सकते, इस पे मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, लेकिन इस पे मैं ट्राई ज़रूर करूँगा कि ये क्यों नहीं लिखा जा सकता, इसका क्वेश्चन में ऐसे मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। बिल्कुल, इस तरह और भी बहुत ही खूबसूरत फैक्ट है इसमें। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल खान व्यूज़ को या जैम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दे दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।